गवर्नमेंट के पास अगर नोट छापने की मशीन है तो गवर्नमेंट एक बार में बहुत सारी नोट छापकर सबको अमीर क्यों नहीं बना देते। अगर सबके पास पैसा आ गया तो हमारे देश से गरीबी मिट जाएगी। ऐसा सवाल आपके मन में भी कभी ना कभी आया होगा। कुछ अलग जानकारी देंगे, इसीलिए इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और साथ ही साथ हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिए। एक बार जिम्बाब्वे की सरकार ने भी कुछ ऐसा ही किया था और ये उनकी लाइफ की सबसे बड़ी गलती थी। कुछ ऐसा हुआ जिसकी किसी ने सोचा भी नहीं था। उन्होंने पैसों से सबको अमीर तो बना दिया पर डिमांड एंड सप्लाई के रेशियो को तोड़ दिया। सबके पास पैसा होने की वजह से सबको दो वक्त का खाना चाहिए तो अनाज लेने वाले लोग भी बढ़ गए। जिस अनाज की कीमत 20 रुपए किलो थी उसकी कीमत 20,000 रुपए किलो हो गई। ऐसा इसीलिए हुआ क्योंकि अनाज तो लिमिटेड था ना, सिर्फ लोग अमीर हुए थे। जिस अनाज की डिमांड जहाँ पर 1,000 लोग कर रहे थे, अमीर होने के बाद उनकी संख्या 10,000 हो गई। तो अनाज की डिमांड बढ़ गई पर सप्लाई घट गई। इसीलिए जो चीजें 100 रुपए में मिल रही थी अब उन्हीं को खरीदने के लिए 10,000 रुपए देने पड़ रहे थे। सरकार एक बार में सबको अमीर तो बना देगी पर रिसोर्सेस थोड़ी बढ़ा पाएगी। रिसोर्सेस तो लिमिटेड है ना, तो सब लोगों को पैसे देने से डिमांड और सप्लाई का रेशियो बिगड़ जाएगा और देश की इकोनॉमी खराब हो जाएगी।